कल तक हम लोगों ने भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई थी व्यापारिक उद्देश्यों से, तो उन कंपनियों के आगमन को हम लोगों ने कल तक देखा था। और हम लोगों ने देखा था कि कल माने 1717 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी किया गया, वहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है, जिसे कि कंपनी की मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आज जो है हम लोग देखेंगे, चूंकि हम लोगों ने देखा था कि भारत में जो व्यापारिक कंपनियां आई थी यूरोप से, उसमें चार देश जो थे वो प्रमुख थे, जिसमें से एक सबसे पहले जो आया था वो था पुर्तगाल, ठीक है। सबसे पहला जो आया वो पुर्तगाल था, पुर्तगाली व्यापारी आए थे। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आए थे डच, डच के बाद में तीसरे नंबर पर ब्रिटेन आया, ब्रिटेन के व्यापारी आए, और चौथे नंबर पर आए थे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। हालांकि इनसे पहले भी एक आए थे जिनको हम लोग डेनिस कहते हैं, डेनिस, ठीक है, जो कि डेनमार्क से आए थे। उसके बाद में लास्ट में आए थे ये फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी। तो इन कंपनियों के बारे में हम लोगों ने देखा था कि पुर्तगाल जो है ये 1498 में भारत में पहले पहले आए। इसके बाद में डच की अगर बात की जाएगी तो ये 1595 छानवे के लगभग में आए थे भारत, ब्रिटेन 1600 ईस्वी में भारत आया, और डेनिस जो है ये 1616 में आए। इसके बाद फ्रांस जो है सबसे लास्ट में 1664 में भारत में आया था। इन कंपनियों ने प्रारंभिक तौर पे इनके भारत आने का उद्देश्य जो था वो भारत से व्यापार करना था, लेकिन एक घटना घटी जिसको भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है, और वो घटना थी औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है। 1707 का समय था, 1707, और इस समय मुगल बादशाह जो औरंगजेब थे उनकी मृत्यु हो रही है। काफी उम्रदराज राजा थे जिनकी मृत्यु हो रही है 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु। यहां से भारत में जो मुगल साम्राज्य था, जो कि काफी उस समय का एक बहुत ही मजबूत साम्राज्य था मुगल साम्राज्य, उस मुगल साम्राज्य का यहां से पतन होना शुरू हो गया, ठीक है। चूंकि मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के बाद में जितने भी राजा हुए वो सारे के सारे अयोग्य थे, और उनमें इतने बड़े साम्राज्य को जिसको अकबर और अकबर जहांगीर इन सब ने मिलकर के जो खड़ा किया था, इतने बड़े साम्राज्य को, उस साम्राज्य को संभालने की क्षमता किसी भी मुगल शासक में जो औरंगजेब के बाद में बने उनमें नहीं थी। और इसी मुगल शासकों की अदूरदर्शिता और उनकी राजनीतिक जो अक्षमता थी उसके कारण भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई थी उन कंपनियों के उत्थान में और यहाँ पे उनके राजनैतिक विस्तार में काफी सहायक सिद्ध हुए, ठीक है। इसमें सबसे पहले पहले हम लोग देखेंगे कि चूंकि 1498 में सबसे पहले पहले जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसने प्रारंभिक तौर पे अपना व्यापारिक यहाँ पे ठिकाने स्थापित किए। उसके बाद में हम लोग देखे, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे, तो कि 1613 में एक युद्ध हुआ, 1613 में एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का नाम था स्वाली, स्वाली का युद्ध, ये हम लोगों ने कल देखा था। और इस स्वाली के युद्ध में हम लोगों ने देखा था कि ये युद्ध जो था अंग्रेजों अंग्रेजों और पुर्तगाल, अंग्रेजों और पुर्तगाल के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में हम लोगों ने देखा था कि पुर्तगाली जो थे ये पराजित हो गए थे, पुर्तगाली जो थे ये पराजित हो गए, और यहां से इनका पतन जो है भारत में होना शुरू हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि
बाद में चल के पुर्तगाल का स्पेन में विलय हो जाता है, और स्पेन में जब विलय हो गया पुर्तगाल का, तो उस स्थिति में जो पुर्तगाली व्यापारिक गतिविधियां जो भारत में चल रही थी उसमें काफी कमी आ गई। और इसके बाद में एक और घटना थी जिसको हम लोगों ने कल के लेक्चर में भी पढ़ा था कि 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी हैं, पुर्तगाल की राजकुमारी, पुर्तगाल की राजकुमारी हैं जिनका नाम है कैथरीन। तो कैथरीन का विवाह हम लोगों ने देखा था कि हुआ था चार्ल्स द्वितीय से, चार्ल्स सेकंड से इनका विवाह हुआ था। और चार्ल्स सेकंड जो है ये कहाँ के राजकुमार थे, तो ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के राजकुमार थे ये, ठीक है। और यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था कि इस विवाह में बंबई जो कि पुर्तगालियों का एक ठिकाना था, उस बंबई को पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को दहेज के रूप में दे दिया था। ब्रिटेन के जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, इनको पुर्तगालियों ने इस विवाह के एवज में दहेज के रूप में दे दिया था। तो यहां तक हम लोगों ने देखा था। इसके बाद में धीरे 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 पुर्तगालियों का भारत में पतन हो गया, ठीक है, और वो अपने कुछ ही ठिकानों तक सिमट के रह गए थे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो डच आए थे, तो डचों ने शुरू शुरू में भारत में अपने व्यापारिक कोठी स्थापित करना शुरू किया। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि 1759 में एक युद्ध हुआ था जिसको हम लोग वेडरा के युद्ध के रूप में जानते हैं, वेडरा का युद्ध। 1759 में वेडरा का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध जो है ये अंग्रेजों अंग्रेजों और डच के बीच में हुआ था। वेडरा का युद्ध जो है वो अंग्रेजों और डच के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेज जो हैं ये विजयी हो गए थे, अंग्रेज जो है ये जीते थे इस युद्ध को। और इस युद्ध के बाद में जो डच कंपनी है, डच कंपनी का भी भारत में पतन हो गया। यानी कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो सबसे पहले आई थी पुर्तगाली कंपनी, उसका 1613 और 61 आते आते लगभग से पतन हो गया। इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि वेडरा का युद्ध जो हुआ, तो वेडरा के युद्ध तक जो दूसरे नंबर पे कंपनी आई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका भी पतन हो गया। उसके बाद में अब तीन कंपनियां जो हैं वो भारत में बच गई थी, जिसमें जो दो कंपनियां थी ब्रिटेन और फ्रांस, इन दोनों ने ही आगे चल के काफी ज्यादा अपना विस्तार किया भारत में, और फिर इन दोनों के बीच में कुछ संघर्ष हुए, उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल एक और कंपनी है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगली जो कंपनी थी डेनिस, तो डेनिस की अगर बात की जाएगी, डेनिस, तो डेनिस कंपनी के बारे में जैसा कि मैंने कल भी बताया था आप लोग को कि इसका भारत से व्यापार करने में कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी, और ये कंपनी जो है वो भारत में आई थी 1616 ईस्वी में, ठीक है, लेकिन ये भारत में उतना अधिक सरवाइव नहीं कर पाया जितने कि फ्रेंच और ब्रिटिश किए थे। और अंततः इसने 1745 में अपने जितने भी ठिकाने हैं, जितनी भी व्यापारिक कोठियां इन्होंने भारत में स्थापित की थी, उन सारे के सारे व्यापारिक कोठियों को ये अंग्रेजों के हाथों में बेचकर, अंग्रेजों को बेचा, ठीक है। इन्होंने अपनी जितनी भी व्यापारिक कोठियां थी उन सारे के सारे कोठियों को इन्होंने अंग्रेजों के पास बेच दिया और वापस अपने देश में चले गए, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि पुर्तगाल का पतन हो गया, डच का पतन हो गया और डेनिस का पतन हो गया। और इस स्थिति में जो भारत में दो महत्वपूर्ण यूरोपीय शक्तियां बच गई थी वो थे ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। और इन्हीं दोनों के बीच में भारत में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए, और उन युद्ध को हम लोग कर्नाटक युद्ध के रूप में जानते हैं, और आज हम लोग जो कर्नाटक युद्ध हुए थे उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कर्नाटक युद्ध की अगर बात की जाएगी, तो भारत में फ्रांसीसी और
अंग्रेजों के बीच में तीन कर्नाटक युद्ध हुए थे, ठीक है, जिसमें से तीनों कर्नाटक युद्ध के बाद अंततः भारत पर ये डिसाइड हो गया कि कौन सी कंपनी जो है इसका वर्चस्व रहेगा। और इन तीनों युद्ध के बाद में ये क्लियर हो गया था कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है काफी लंबे समय तक टिकने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले पहले हम लोग आज प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर बात की जाएगी तो ये 1746 में शुरू हुआ था और 1748 ईस्वी तक चला था, यानी कि 2 साल तक ये युद्ध जो है वो कंटिन्यू चला था, ठीक है। इस युद्ध की अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले पहले इसके कारण को हम लोग देख लेते हैं। और कारण की अगर बात की जाएगी तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो ये था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। एक बात हम आप लोग को बता दें कि जो ब्रिटिश कंपनी जो थी, यानी कि जो ब्रिटेन था, यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों परस्पर विरोधी देश थे, यानी कि ये आपस में हमेशा यूरोप में ये लड़ते रहते थे, ठीक है। और इनके इसी लड़ाई का जो परिणाम था वो भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में देखने को मिला, ठीक है। हुआ ये था कि यूरोप में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर के इन दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ गया था, ठीक है। और इस युद्ध का प्रभाव जो है, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि यूरोप में अगर ये लड़ते थे तो भारत में भी इनके द्वारा जो कंपनियां भेजी गई थी व्यापार करने के लिए, इन कंपनियों के बीच में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती थी, ठीक है। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया पे उत्तराधिकार को लेकर के जब यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध शुरू हुआ तो उसी समय भारत में जो दोनों कंपनियां थी इनमें भी लड़ाई स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसका तत्कालिक कारण अगर हम लोग देखें, तत्कालिक कारण, अगर तत्कालिक कारण को देखा जाए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक घटना घटी थी। इंग्लैंड के एक अधिकारी थे जिनका नाम था कैप्टन बर्नेट, कैप्टन बर्नेट, ठीक है। इंग्लैंड के ये एक मतलब कि नाव के कप्तान थे जिनका नाम था कैप्टन बर्नेट। और इन्होंने क्या किया था, ये इंग्लैंड के थे, इन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसियों के कुछ जहाज थे, उन जहाजों को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, उन जहाजों को इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। और जब जहाजों पर, फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा जमाया, ठीक है, इन्होंने फ्रांसीसी के जहाज पर कब्जा किया, ठीक है। फ्रांसीसियों के जहाज पर इंग्लैंड के कैप्टन थे जिनका नाम क्या था, बर्नेट, ठीक है। और इन्होंने फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा कर लिया। और जहाज पर जब इन्होंने कब्जा किया तो उस समय भारत के जो, भारत में जो फ्रांसीसी गवर्नर थे उनका नाम था डुप्ले। भारत में जो फ्रांसीसी फ्रांसीसी जो गवर्नर थे इनका नाम था डुप्ले। अब बताइए कि जब फ्रांस और ब्रिटेन दो कंपनी यहां पे आपस में मतलब कि प्रतिद्वंदिता चल रही है, और उसमें कोई क्या करे कि फ्रांस के जितने भी व्यापारिक जहाज थे उन जहाजों पे अगर दूसरा पक्ष अगर कब्जा कर ले तो उस स्थिति में स्वाभाविक है कि ये भी कुछ ना कुछ करेगा। और यही हुआ, जब कैप्टन बर्नेट ने फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा किया तो उसका बदला लेने के लिए जो फ्रांसीसी गवर्नर थे भारत में डुप्ले, इन्होंने मॉरिशस में जो गवर्नर थे, मॉरिशस में गवर्नर, मॉरिशस में गवर्नर थे,
जिनका नाम था ला बर्डेन, ला बर्डेन। तो ला बर्डेन की सहायता से इन्होंने अंग्रेजों का एक ठिकाना था मद्रास, ठीक है, अंग्रेजों का एक ठिकाना था मद्रास, उस मद्रास को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, हुआ ये कि सबसे पहले पहले कर्नाटक युद्ध में, जैसा कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया पे उत्तराधिकार को लेकर के यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में आपसी लड़ाई हुई। उस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि तत्कालिक कारण में, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि उस लड़ाई के कारण जो कैप्टन बर्नेट थे इंग्लैंड के रहने वाले, उन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और इस कब्जे का बदला लेने के लिए फ्रांसीसी गवर्नर जो भारत में थे उनका नाम था डुप्ले, डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बर्डेन की सहायता से मद्रास, जो कि अंग्रेजों का ठिकाना था, उस ठिकाना पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अब बताइए कि मद्रास पे जब इन्होंने कब्जा किया तो क्या अंग्रेज चुप बैठने वाले हैं? अंग्रेज भी अब तो फिराक में लगे हैं कि अब क्या करें। तब जाके अंग्रेजों ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और उन्होंने कूटनीति का प्रयोग करते हुए जो उस समय के कर्नाटक के नवाब थे जिनका नाम था अनवरुद्दीन। ठीक है, कर्नाटक के नवाब कौन थे? कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन, तो अनवरुद्दीन से जाकर के अंग्रेजों ने कहा कि सर आप थोड़ी हमारी मदद कर दीजिए, क्योंकि ये फ्रांसीसी जो हैं ये हमारे ऊपर काफी दबाव बना रहे हैं और हमारे ठिकानों पर धीरे धीरे करके कब्जा कर रहे हैं, और मद्रास पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो उस स्थिति में अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसियों से युद्ध किया। अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है, अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में युद्ध हुआ, और उस युद्ध को हम लोग सेंट टोमे का युद्ध के रूप में जानते हैं। और सेंट टोमे के युद्ध में आप लोग को बता दें कि जो अनवरुद्दीन थे ये पराजित हो गए, जो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया। ठीक है, और जब अनवरुद्दीन पराजित हो गए तो उसके बाद भी जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों ने मद्रास पर से अपना कब्जा नहीं हटाया और मद्रास पे कब्जा बनाए रखा। ठीक है, उसके बाद में अंततः ये युद्ध जो है आपका हुआ था 1748 में। ठीक है, 1748, और इस युद्ध को हम लोग सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं, सेंट टोमे का युद्ध। और इसमें हमने देखा कि फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो जीत गई डुप्ले के नेतृत्व में, और अनवरुद्दीन जो थे वो पराजित हो गए। इसके बाद में अभी ये ऐसा ये सब घटनाक्रम चल ही रहा था कि इसी बीच यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक संधि हो गई जिसे हम लोग जानते हैं एक्स ला सैपल, एक्स ला सैपल की संधि। ठीक है, तो एक्स ला सैपल की संधि जो है, इस संधि के द्वारा, ये संधि हुई थी 1748 में, और इस संधि के द्वारा वहां पे ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो लड़ना बंद कर दिए, और इस संधि के द्वारा भारत में भी जो प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था उस युद्ध का समाधान निकल गया। ठीक है, और इसमें ये तय किया गया कि जो भी क्षेत्र मद्रास, जैसा कि मैंने बताया कि मद्रास पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था भारत में, ठीक है, तो भारत में जो अंग्रेजों के ठिकाने फ्रांसीसियों ने कब्जा किए थे उन ठिकानों को वापस कर दिया गया, यानी कि मद्रास को अंग्रेजों को लौटा दिया गया। और ठीक इसी समय जो ये युद्ध हो रहा था, इस कड़ी में अमेरिका में भी फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ रहे थे, तो वहां पे इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज चूंकि यहाँ पे मद्रास पे फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था, और अमेरिका में एक जगह था जिसका नाम था
लुई बर्ग, ठीक है, तो लुई बर्ग पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था और वो फ्रांसीसी ठिकाना था। तो इस स्थिति में जो एक्सला सैपल की संधि हुई, इसमें मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, और फिर जो लुई बर्ग है अमेरिका में, वहां पे जो फ्रांसीसी ठिकाना था उस पे अंग्रेजों ने वो ठिकाना जो है फ्रांसीसियों को वापस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो उसका कारण क्या था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया पे उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक है। उसमें हम लोगों ने देखा कि ये युद्ध कब शुरू हुआ था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। इस समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे, तो भारत में फ्रांसीसी गवर्नर का नाम था डुप्ले, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इस युद्ध का समापन कैसे हुआ, तो 1748 में एक्सला सैपल की संधि के द्वारा हुआ था, ठीक है। तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला अगर हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं, ये युद्ध तो खत्म हो गया था और सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि दोनों कंपनियां जो हैं, ये भारत में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय से ही इनको ऐसा लगने लगा था कि भारत में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो इनके लिए काफी अनुकूल है, और यहाँ पे आसानी से ये अपने पैर पसार सकते हैं और आसानी से भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। और इसी कड़ी में दूसरा जो युद्ध हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर ले। ये जो युद्ध था ये 1749 में स्टार्ट हुआ था और चला था 1754 तक, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़िया से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हुआ ये था कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों का जो मतलब अनवरुद्दीन को जब फ्रांसीसियों ने पराजित किया, तो उस समय ये क्लियर हो गया था कि भारत में जो भारतीय शासक हैं उनको आसानी से पराजित कर सकते हैं यूरोपीय, ठीक है। और उसके बाद से दक्षिण भारत में लगभग से फ्रांसीसियों का पूरा वर्चस्व स्थापित हो गया था। दक्षिण भारत के जितने भी राजा थे वो कभी भी आपस में जब लड़ते थे तो फ्रांसीसियों की मदद लेने के लिए पहुंच जाते थे। और यही हुआ था 1749 में। हुआ ये था कि 1748 की घटना काफी इंपॉर्टेंट है साउथ, अगर इंडिया के इतिहास की अगर बात की जाएगी, तो 1748 में एक शासक थे दक्षिण भारत में और उनका नाम था निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क ये हैदराबाद के निजाम थे। ये क्या थे, तो हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम थे। इन्होंने ही हैदराबाद की स्थापना भी किया था, ठीक है। तो निजामुल मुल्क जो है, इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु हो गई 1748 में। अब जब मृत्यु हो गई तो स्वाभाविक है कि इनके स्थान पे किसी ना किसी को वहां पे राजा बनाना पड़ेगा, वहां का शासक बनाना पड़ेगा। और इस स्थिति में राजा बनने के लिए जो है वहां पे युद्ध शुरू हो गया कि जी हम बनेंगे तो हम बनेंगे, ठीक। और इस स्थिति में इनके पुत्र का नाम था, इनके पुत्र थे नासिर जंग, ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या था, नासिर जंग, ठीक है। और इन्हीं के पौत्र थे, इनके नाती थे, जिनका नाम था मुजफ्फर जंग, ठीक है। मुजफ्फर जंग, तो इन दोनों के बीच में सत्ता पे अधिकार को लेकर के युद्ध हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहां पे तो युद्ध अभी चल ही रहा था मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में, दूसरा एक और घटना घटा था 1748 में ही। 1748 में ही हुआ ये था कि काफी लंबे समय थे, तकरीबन
7 वर्षों से मराठों की कैद में थे चंदा साहेब। चंदा साहेब जो हैं ये काफी लंबे समय से तकरीबन 7 वर्षों से मराठों की कैद में थे, और मराठों ने क्या किया कि 1748 में चंदा साहेब को आजाद कर दिया। चंदा साहेब को आजाद किया, किसने आजाद किया था? तो मराठों ने आजाद किया था। और जब चंदा साहेब आजाद हो गए तो ये कर्नाटक में गए, और कर्नाटक के उस समय की जो तत्कालीन जो शासक थे जिनका नाम था अनवरुद्दीन, मैंने पिछले जो कर्नाटक युद्ध बता रहा था उसमें हमने बताया था कि उस समय कर्नाटक के जो नवाब थे वो कौन थे, तो अनवरुद्दीन। ठीक है, अनवरुद्दीन जो हैं ये इस समय कर्नाटक के नवाब हैं, और जेल से बाहर कौन आ रहे हैं, तो जेल से बाहर आ रहे हैं चंदा साहेब। ठीक है, और चंदा साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम यहाँ के नवाब हैं, आप कैसे बैठे हुए हैं। तो चंदा साहेब और अनवरुद्दीन चूंकि ये पहले से नवाब हैं, और ये आगे कह रहे हैं कि नहीं हमारा साम्राज्य है, हम यहाँ के नवाब बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई तो होगा ही। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि अनवरुद्दीन और चंदा साहेब के बीच में यहाँ पे कर्नाटक में जो है उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। ठीक, तो अगर कारण की बात करें द्वितीय कर्नाटक युद्ध के, अगर कारण की बात करें तो कारण ये था इसका कि हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध, यानी कि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो ये हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि चूंकि दोनों कंपनियां अपना अपना यहां पे अब फायदा निकालने में लग गई, जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज कह रहे हैं कि जी नासिर जंग जो है बहुत बढ़िया है, अंग्रेज जो है नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं, अंग्रेज नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं, और इधर मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में कौन सपोर्ट कर रहे हैं, तो फ्रांसीसी कर रहे हैं, फ्रांसीसी। और इसी के कारण यहाँ पे इन दोनों में लड़ाई होगी। ठीक, और इधर कर्नाटक की अगर बात की जाएगी तो कर्नाटक में अनवरुद्दीन को अंग्रेज सपोर्ट कर रहे हैं, और फ्रांसीसी जो हैं ये चंदा साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। अंग्रेज कह रहे हैं कि हैदराबाद के लिए सबसे अच्छा निजाम कौन है, तो नासिर जंग है, और कर्नाटक का नवाब कौन बढ़िया है, तो अनवरुद्दीन है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया आप लोग को कि अनवरुद्दीन जो है वो अंग्रेजों की मदद करने के लिए, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था सेंट टोमे का युद्ध जिसको हम लोगों ने देखा था कि उसमें फ्रांसीसियों से भिड़ गए थे, तो स्वाभाविक है कि जब अनवरुद्दीन अंग्रेजों के लिए लड़े हैं फ्रांसीसियों से, तो फिर अनवरुद्दीन पे जब मुसीबत आएगा तो अंग्रेज इनकी मदद करने के लिए खड़े होंगे। तो अंग्रेज चाहते थे कि हैदराबाद में नासिर जंग निजाम बन जाए और कर्नाटक में अनवरुद्दीन कंटिन्यू मतलब चलते रहे। ठीक, और फ्रांसीसी चाहते थे कि नहीं हमारा जो हमको सपोर्ट करने वाला अगर कोई शासक है तो उसको हम राजा बनाए यहाँ पे। और इस स्थिति में ये जो हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे चंदा साहब को कर रहे हैं। इसी बीच क्या हुआ कि 1749 में अनवरुद्दीन जो है 1749 में जो अनवरुद्दीन है अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, अनवरुद्दीन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और यहां पे चंदा साहब जो है चंदा साहब नवाब बन जाते हैं। इसके बाद में 1750 जो है 1750, तो 1750 में इधर नासिर जंग जो है नासिर जंग ये भी मारा गया। तो अब बताइए यहाँ पे 1748 तक तो पूरा लड़ाई चल रहा है, 1749 में क्या हुआ कि जब युद्ध शुरू हुआ, तो युद्ध जब शुरू हुआ तो 1749 में इधर अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जा रही है, और यहाँ पे हैदराबाद की अगर बात करें तो यहाँ पे नासिर जंग भी मारा गया। ठीक, तो यहाँ पे 1749 में जो चंदा साहेब हैं, चंदा साहेब ये नवाब बन गए,
चंदा साहेब कर्नाटक के नए नवाब बन गए, ठीक। और यहाँ पे हैदराबाद की अगर बात की जाएगी तो हैदराबाद में जो मुजफ्फर जंग था, मुजफ्फर जंग ये निजाम बना, ठीक है। हैदराबाद जो है, हैदराबाद में जो राजा होता था उसको निजाम बोला जाता था, तो ये निजाम बन गया। और जब ये दोनों शासक बने, हैदराबाद और कर्नाटक में जब दो नए शासक बने, तो ये दोनों के दोनों शासक किसके समर्थन से बने थे? तो फ्रांसीसियों के समर्थन से बने थे। और जब फ्रांसीसियों के समर्थन से ये दोनों शासक बने, तो पूरा एकदम दिल खोल के फ्रांसीसियों को अपने अपने क्षेत्र प्रदान करने शुरू कर दिए। और इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे कि मुजफ्फर जंग जब शासक बना, तो शासक बनने के बाद में डुपले को कहा कि जी आप बहुत मदद किए हैं, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। और डुपले को उसने पौंडीचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया, ठीक है, पौंडीचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया। और उसके बाद में जो चंदा साहेब थे, चंदा साहेब ने भी पौंडीचेरी के क्षेत्र में काफी गांव जो थे वो डुपले को दे दिए कि आपने बहुत मदद किया है, हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। और इस स्थिति में हम लोगों ने देखा कि डुपले को पौंडीचेरी का क्षेत्र जो है, बहुत बड़ा बेल्ट जो है, इसको दे दिया गया, ठीक। और यहाँ पे इसने अपना विस्तार जारी रखा। इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे कि चूंकि यहां तक तो अभी तक तो फ्रांस का ही वर्चस्व दिख रहा है, तो अंग्रेज क्या मान जाएंगे? नहीं, अंग्रेज जो है अब देख रहे हैं कि फ्रांस तो भाई बहुत आगे निकल रहा है, कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। और इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक क्लर्क बन के आया हुआ था अंग्रेज, जिसका नाम था रॉबर्ट, लॉर्ड क्लाइव। खैर यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जिसको हम लोग कहते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है इस समय यहाँ पे क्लर्क बन के, मतलब कि भारत में उसकी नियुक्ति हुई थी, जो आगे चल के फिर गवर्नर भी बना बंगाल का। और इसने क्या किया कि जब देखा कि फ्रांसीसी काफी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, तो ये अपनी कूटनीति का प्रयोग किया। और कूटनीति का प्रयोग करके इसने फ्रांसीसियों का एक ठिकाना था जिसका नाम था अकार्ट, ठीक है, फ्रांसीसियों का एक ठिकाना था जिसका नाम था अकार्ट। तो फ्रांसीसियों का एक ठिकाना था जो अकार्ट के नाम से जाना जाता था, ठीक। और अकार्ट को इसने घेर लिया, अकार्ट पे घेरा डाल दिया। और अकार्ट पे घेरा जब डाला, तो उस समय जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे डुपले जो है वो क्या था, तो डुपले यहाँ पे उस समय फ्रांस का फ्रांसीसी गवर्नर था भारत में, ठीक है। और डुपले से इसका युद्ध हो गया, लॉर्ड क्लाइव और डुपले, डुपले के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। और उस युद्ध को हम लोग गोडेहियो, गोडेहियो के युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, गोडेहियो का युद्ध हुआ। जब रॉबर्ट क्लाइव ने अकार्ट को घेरा डाला, तो उस स्थिति में डुपले और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो गोडेहियो के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में क्या हुआ कि डुपले जो है, डुपले पराजित हो गया, यानी कि फ्रांसीसी जो हैं इस युद्ध में पराजित हो गए। लॉर्ड क्लाइव ने ऐसी कूटनीति का प्रयोग किया था कि जो फ्रांसीसी हैं यहाँ पे पहली बार अंग्रेजों से क्या हो रहे हैं, पराजित हो रहे हैं। और जब डुपले पराजित हुआ, तो इसी समय डुपले को वापस बुला लिया गया, ठीक है। ये युद्ध हुआ था 1751 में, ये नोट कर लीजिएगा। तो 1751 में गोडेहियो का युद्ध हुआ, किसके किसके बीच, लॉर्ड क्लाइव और डुपले के बीच, जिसमें डुपले पराजित हो गया और डुपले को वापस बुला लिया गया। वापस इसको फ्रांस बुला लिया गया, ठीक। और इसके जगह पे, चूंकि अब यहां से जब एक फ्रांसीसी गवर्नर वापस चला गया, तो उसके जगह पे कोई ना कोई तो गवर्नर बन के आएगा। और उस स्थिति में गवर्नर बना करके भेजा, सॉरी, गोडेहियो, गोडेहियो यहाँ पे गवर्नर बन के आया था, सॉरी। ये युद्ध हुआ था अकाट का युद्ध, और गोडेहियो को उसके बाद में गवर्नर बना करके भेजा गया था।
ठीक है, काट का युद्ध हुआ था जिसमें डुप्ले पराजित हुआ था, और उसके बाद में डुप्ले के वापस जाने के बाद में गोडेहियो जो है, गोडेहियो को गवर्नर बनाकर भेजा गया। गोडेहियो जो है, गोडेहियो को क्या किया गया, तो गवर्नर बना करके और भारत में भेज दिया गया, ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर। और गोडेहियो ने भारत में आने के बाद में सबसे पहला काम जो है वो ये किया कि 1754 में उसने अंग्रेजों से एक संधि पर हस्ताक्षर किया जिसे हम लोग पौंडीचेरी की संधि कहते हैं, पौंडीचेरी की संधि। और पौंडीचेरी की संधि के माध्यम से फिर से जो अंग्रेजों ने जो क्षेत्र जीते थे फ्रांसीसियों के, उन क्षेत्रों को वापस कर दिया गया। और उसके बाद में जो फ्रांसीसी जीते थे अंग्रेजों के क्षेत्र, तो उन क्षेत्रों को फिर अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, ठीक है। और इस तरह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो किसके कारण हुआ था, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध के कारण फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि इस समय फ्रांसीसी जो गवर्नर था भारत में वो कौन था, तो डुप्ले था, ठीक। और डुप्ले को किस युद्ध में पराजित किया था अंग्रेजों ने, तो अकार्ट के युद्ध में पराजित किया था, ठीक। और डुप्ले को इस युद्ध डुप्ले को अकार्ट के युद्ध के बाद में 1751 में वापस फ्रांस बुला लिया गया था, और उसके स्थान पे भारत में फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में कौन आया था, तो भारत में फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में बन के आया था जिसका नाम था गोडेहियो, ठीक। अब जो है हम लोग देखेंगे तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध, अगर तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात की जाएगी तो ये 1756 में स्टार्ट हो रहा है और चल रहा है 1763 तक, ठीक। इसके अगर कारण की बात की जाए कि जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, तो तीसरे कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो इसमें जैसे कि मैंने जब ये लेक्चर शुरू किया था कर्नाटक युद्ध, तो उस समय प्रारंभ में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में कोई भी लड़ाई होती थी तो उसका सीधा सा असर जो है वो भारत पर भी देखने को मिल जाता था। और भारत में भी जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे वो आपस में लड़ने लगते थे, और यही हुआ था 1756। 1756 का डेट काफी इंपॉर्टेंट है। 1756 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई, ठीक। और उस युद्ध में जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कर रहा था फ्रांस और प्रसा का सपोर्ट कर रहा था इंग्लैंड। तो स्वाभाविक है कि जब दोनों अलग अलग पक्षों का सपोर्ट करेंगे तो लड़ाई तो होगी। तो यही हुआ कि जब वहां पे ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध, तो इधर भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी जो हैं वो आपस में लड़ने लगे, ठीक। और इस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दें आप लोग को कि डुप्ले तो वापस जा चुका था, गोडेहियो आया और वो भी 1754 में जो है भारत में पौंडीचेरी की संधि किया, और संधि करने के बाद में वापस चला गया, ठीक। उसके बाद भारत में जो गवर्नर बन के आए थे जिनका नाम था काउंट काउंट डी लाली, तो काउंट डी लाली जो है ये भारत में फ्रांसीसियों के गवर्नर बन के आए हैं, ठीक। काफी यंग हैं और बहुत ज्यादा इनमें जोश भरा हुआ था। इन्होंने क्या किया कि आते ही, इन्होंने आने के साथ ही 1758 में, 1758 में अंग्रेजों का एक ठिकाना था तंजौर में जिसे फोर्ट फोर्ट सेंट डेविड के नाम से जाना जाता था, फोर्ट
फोर्ट सेंट डेविड, तो फोर्ट सेंट डेविड पर 1758 में काउंट डी लाली ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक, काउंट डी लाली ने फोर्ट सेंट डेविड पर 1758 में अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद में, अब तो स्वाभाविक है कि जब अंग्रेजों के ठिकानों पर फ्रांसीसी अधिकार करना शुरू कर देंगे तो इन दोनों के बीच में लड़ाई तो होगा ही। तो इसके कारण इन दोनों के बीच में आपस में फिर से लड़ाई शुरू हो गया, और इसी लड़ाई को तीसरा कर्नाटक युद्ध हम लोग कहते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि काउंट डी लाली जो है, चूंकि ये जितना डुप्ले दूरदर्शिता रखता था उतना इसमें दूरदर्शिता नहीं था, इसमें दूरदर्शिता की काफी कमी थी, और इसी कमी का नतीजा था कि डुप्ले ने जब हैदराबाद में अपने समर्थन के निजाम की नियुक्ति किया था, तो उस स्थिति में हैदराबाद में इसने बुस्सी नाम के एक अपने सेनानायक को भी बहाल किया था, और वहां पे अपनी सेना की एक टुकड़ी भी रखा था। लेकिन काउंट डी लाली ने क्या किया कि उस सेनानायक को, यानी कि जो बुस्सी था, उसको वापस बुला लिया। बुस्सी बुस्सी को वापस बुलाया, और जब बुस्सी को वापस बुला लिया तो उसके बाद में यहां पे एक बहुत ही निर्णायक युद्ध हो रहा है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। और इस युद्ध को ही वांडी वास का युद्ध कहा जाता है। 1760 1760 में वांडी वास का युद्ध, वांडी वास का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में, वांडी वास का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में जो फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हो गए। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हो गए, और ये जो वांडीवास का युद्ध था, इस युद्ध ने तय कर दिया कि भारत में कौन सा देश, कौन सी यूरोपीय शक्ति जो है वो काफी लंबे समय तक टिकेगी। ठीक, इस युद्ध में दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको बता देना चाहते हैं। अगर फ्रांसीसी नेतृत्व की बात की जाएगी, फ्रांसीसी नायक, तो फ्रांसीसी नायक थे यहां पे काउंट डी लाली, काउंट डी लाली, इन्होंने फ्रांस का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों के नेतृत्वकर्ता की अगर बात की जाएगी तो आयरकुट थे। ठीक है, अंग्रेज सेनानायक यहां पे थे सर आयर कुट। सर आयर कुट वांडी वास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किए थे। और इस युद्ध में कौन पराजित हुआ, तो फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित हो गए। और इस कर्नाटक के युद्ध की अगर बात की जाएगी तो कर्नाटक के युद्ध का समापन जो है वो 1763, तो 1763 में एक संधि हुई थी जिसे पेरिस की संधि कहा जाता है, पेरिस की संधि। तो पेरिस की संधि के माध्यम से तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है ये समाप्त हुआ। और इस संधि में ये तय किया गया कि अब से जितने भी क्षेत्र जो हैं, जो कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से जीते हैं, उन क्षेत्रों को वापस फ्रांसीसियों को दे दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ क्षेत्र तो वापस कर दिया गया, लेकिन फ्रांसीसियों पे ये रोक लगा दिया गया कि वो भारत में अब से कभी भी भारत में अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। यानी कि इसके बाद में, वांडीवास के युद्ध के बाद में, जो फ्रांस है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी बन करके रह गई थी। वो भारत में अपने साम्राज्य विस्तारवादी रवैये को उन लोगों को बंद कर देना पड़ा। और अब से इस युद्ध के बाद से ये क्लियर हो गया कि ब्रिटेन जो है वो काफी लंबे समय तक भारत में रहने वाला है। ठीक, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अगर हम लोग थोड़ा सा देख लें कि आखिर फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जो कर्नाटक युद्ध हुए, तो उन युद्धों में अंग्रेजों की विजय के कारण क्या था, अंग्रेज जीत के यहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तार किए, उसके पीछे का कारण क्या था। तो अगर हम लोग कारण की बात करें, कारण की अगर बात करें,
अंग्रेजों के विजय के अगर कारण की बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो कारण था वो ये था कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी वो राजा के द्वारा स्थापित की गई थी, राजा के सपोर्ट से चलती थी, सरकारी कंपनी थी, ठीक। और जो अंग्रेजी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक व्यापारियों के द्वारा स्थापित किया हुआ कंपनी था, ठीक। और इसके कारण, चूंकि व्यापारियों के द्वारा अगर स्थापित किया गया है, प्राइवेट कंपनी है, तो वो लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उसको कोई भी निर्णय लेने से पहले फ्रांस की जो गवर्नर थी उससे परमिशन लेना पड़ता था। और ये एक बहुत ही बड़ा कारण बना, क्योंकि इनमें डिसीजन लेने में काफी लेट हो जाता था, ठीक। दूसरा अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले, उसमें काफी ज्यादा दूरदर्शिता थी। लेकिन जब डुप्ले को अकॉर्ट के युद्ध के बाद में वापस बुला लिया गया, तो वहां से ये भी एक कारण रहा था कि फ्रांसीसी भारत में अंग्रेजों से हार गए, ठीक है। क्योंकि उसके बाद में जिन लोगों को भारत में अपॉइंट किया गया गवर्नर के रूप में, तो उनमें उतनी दूरदर्शिता नहीं रह गई थी जितना कि डुप्ले में था, ठीक है। तो डुप्ले को भारत से वापस बुलाना जो है, ये भी फ्रांसीसियों के भारत में पराजय का एक मुख्य कारण बन गया था, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कर्नाटक युद्ध को देख करके पूरा कंप्लीट कर लिया, कर्नाटक युद्ध को आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पढ़ के। अब जो है अगला हम लोग का क्लास जो है वो होगा भारत में जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जिन छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, उन राज्यों के बारे में कल से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है।